आपको उधर बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा, उसके बाद आपको ये वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा, और उसके बाद आपको ये बैडमिंटन गेम है जो बेसिकली यहाँ पर घूमते हैं। और गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं ना, मैं बेसिकली जिम कॉर्बेट में आया हूँ एक रिजॉर्ट में। तो ये वीडियो होने वाली है उस रिजॉर्ट का टूर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जिस रिजॉर्ट में हम आए हैं उस रिजॉर्ट का नाम है कॉर्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट, और यहाँ ये मेन एंट्री है, यहाँ से हम इधर जाएंगे। तो इधर है पार्किंग, एक पार्किंग ये है, यहाँ पर अपना 8-10 गाड़ी आ सकती है आराम से। और इसके बाद अगर हम आगे मूव करेंगे तो गाइस, ये वाली है सेकंड पार्किंग, और इसमें आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा स्पेस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा गाड़ी आ सकती है। जैसे आप देख सकते हो वहाँ तक पीछे तक गाड़ी आ सकती है अपना, तो अपना आराम से आप गाड़ी में आके अपना गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। और थोड़ा साइड में भी, जैसे वो बस पार्क हुई है तो वहाँ भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, अगर बाई चांस ये फुल होता है और आपको जगह नहीं मिलती। तो गाइस, ये है इस रिज़ॉर्ट की रिसेप्शन, तो मैं आपको रिसेप्शन दिखाता हूँ। रिसेप्शन के अंदर ये आपका वेटिंग एरिया, यहाँ पर आप वेटिंग वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ से आपको की मिल जाएगी रूम की आपकी। रिसेप्शन से आप बाहर निकलेंगे तो आपको दिखेगा एक प्यारा सा गार्डन, छोटा सा। और अगर आप लेफ़्ट देखेंगे तो लेफ़्ट में सारे रूम्स हैं, और अगर आप राइट देखेंगे तो राइट में आपको उधर के पूल साइड जाने का एरिया है। तो गाइस, अगर आप रिसेप्शन से लेफ़्ट साइड जाते हैं तो इस साइड आपको एक कॉमन वॉशरूम दिख जाएगा, यह कॉमन वॉशरूम है लेडीज़ जेंट्स। और इसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएंगे रूम 101 से 112 तक। तो अगर हम इस इधर से इधर जाते हैं तो आपको सामने रूम्स दिख जाएंगे, ये सारे रूम्स हैं, इसके पीछे भी रूम्स हैं। और ये जो बेसिकली एरिया है, तो गाइस इस एरिया में पहले आपको उधर बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा, उसके बाद आपको ये वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा, और उसके बाद आपको ये बैडमिंटन वाला कोर्ट मिलेगा। और उसके अगर आप आगे जाते हैं तो आगे आपको बच्चों के लिए झूले वगैरह मिलेंगे। गाइस, जैसे थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ बच्चों के लिए काफ़ी एक स्लाइड्स भी हैं, सीसॉ भी है, अपना ये वाला झूला भी है। इस एरिया को अगर क्रॉस करके आप जाते हैं तो उस साइड आप देखते हैं वो टेबल टेनिस भी है। तो अगर टेबल टेनिस किसी को खेलना आता है या कोई खेलना चाहता है, ट्राई करना चाहता है, तो यहाँ टेबल टेनिस भी है। तो गाइस, अगर आप रिसेप्शन से लेफ्ट आते हैं तो उस साइड आप बास्केटबॉल कोर्ट देख सकते हैं, वॉलीबॉल कोर्ट भी है, वो मैं आगे आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा, पहले हम इधर चलते हैं। ये बेसिकली एक वॉक थ्रू है जिसके थ्रू आप स्विमिंग पूल में जा सकते हैं। तो गाइस, अगर हम इस वॉक थ्रू से राइट की तरफ टर्न लेते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा प्यारा सा स्विमिंग पूल और हमारा रेस्टोरेंट। तो गाइस, आप देख सकते हैं प्यारा सा आपका स्विमिंग पूल और आपका इतना सुंदर व्यू, साथ में आपका ढाबा या फिर रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर आप आके भी इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, अब चलते हैं हम अपना ढाबा में, और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये ढाबा लगता कैसा है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, यहाँ पर साफ सफाई काम भी चल रहा है थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से आपको एक रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, आपको ढाबा बोल सकते हैं, और ये अपना पूरा स्विमिंग पूल व्यू वाला है। तो गाइस, जैसे ही आप रेस्टोरेंट से निकलोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कैफ़े, जिसका नाम है कैफ़े बूमरैंग। और बेसिकली यहाँ पर ना, तो गाइस बेसिकली ना यहाँ पर शाम को चाय कॉफ़ी वगैरह रखी जाती है, चाय कॉफ़ी वगैरह होती है। देखो ऐसे काफ़ी सारी टेबल वगैरह रखी हुई है, तो यहाँ पर लोग बैठ के अपना चाय कॉफ़ी इन्जॉय करते हैं व्यू के साथ। और रात को ना यहाँ पर लाइव म्यूज़िक चलता है, मतलब अगर जिनको सिंगिंग आती है वो गाना वगैरह गा सकता है अपना, और वैसे डीजे वगैरह बन के चलता है, मतलब बहुत सुंदर लगता है। आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में चेक करना उसको। गाइस, इस वॉक थ्रू से अगर आप राइट जाते हैं तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि इधर आपका स्विमिंग पूल है, ढाबा है, और आपका छोटा सा कैफ़े है। और अगर हम इस वॉक थ्रू से स्ट्रेट जाते हैं तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, इधर से अगर हम राइट लेंगे तो यहाँ पर बेसिकली सिटिंग एरिया है, जहाँ पर चेस है आपकी, आपका कैरम बोर्ड है, आप कैरम बोर्ड खेल सकते हैं,
और इस तरीके से कुछ छोटी मोटी इंडोर गेम्स हैं, तो आप यहाँ बैठ के भी अपना इन्जॉय कर सकते हैं। और लूडो वगैरह भी ऐसा आप देख सकते हैं, इधर लूडो, इधर आपका कैरम बोर्ड, तो इस तरीके से आप ये गेम भी इन्जॉय कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसको अगर आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा छोटा सा एक और गार्डन, और इस गार्डन में आने के बाद अगर आप यहाँ से व्यू चेक करेंगे तो ये आपके रूम्स हैं, और उसके बाद ये आपके हट वाले रूम स्टार्ट हो जाते हैं। मैं थोड़ा आगे आके आपको दिखाता हूँ, और ये हट स्टाइल में रूम आपको दिख जाते हैं जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और ये पूरे यहाँ तक जाके पूरे आपके वहाँ तक जा रहे हैं। तो ये भी एक गार्डन है, अगर आप रात को यहाँ बैठ के इन्जॉय करना चाहते हैं, पूल के मज़े लेना चाहते हैं, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। इस रिज़ॉर्ट की जो बेसिकली कोशिश है ना, वो आपको ये है कि वो आपको नेचर से पूरा जोड़ कर रखे, बहुत अच्छी बात है इसकी वाली। और मैं आपको दिखाता हूँ जो आसपास बर्ड्स आपकी चहचाने की आवाज़ आ रही है ना आपको, वो कौन कौन सी बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। बहुत सारी बर्ड्स हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइज़ ये उन बर्ड्स के नेम हैं जो बेसिकली यहाँ पर घूमते हैं और मॉर्निंग में आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो। और यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो आपको अपना दिख जाएगा एडवेंचर एक्टिविटी एरिया, यहाँ पर है आपका एडवेंचर एक्टिविटी एरिया जिसके आप अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख जाएगा क्रिकेट ग्राउंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं अपना यहाँ पर, तो क्रिकेट ग्राउंड है ये। फिर आपको ये दिखेगा कमांडो नेट, कमांडो नेट से हम थोड़ा इधर मूव करते हैं तो ये अपने टायर वाला है, इसको आप क्रॉस करके जाते हैं और ऊपर से पूरा। और उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो आगे आप देख सकते हैं ये भी एक्टिविटी है, आपको क्या करना होता है, इस टायर के अंदर से जाना होता है, तो ये भी एक एक्टिविटी है। और अगर आप ये क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपके लिए ये वाली एक्टिविटी है, इसमें क्या है आपको इसके ऊपर चढ़ के चलना है, तो ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है लेकिन मैं चल के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ और मैं एक एक्टिविटी ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, व्लॉगिंग करते तो करना मुश्किल है लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं कर जाऊँगा। और यस, मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है मैं कर जाऊँगा, और फाइनली मैंने कर ली। तो आपको इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ये टायर है और इसके बाद अपना ये है, आप इस पर रोप पकड़ के अपना वॉक कर सकते हैं, तो ये भी है। गाइस जैसे हम इस एरिया से अपना बाहर आकर आगे की तरफ जाते हैं तो आगे आपको माउंटेन क्लाइंबिंग वाला भी दिख जाएगा, तो आप यहाँ से माउंटेन क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। ये वाला जो एक्टिविटी होती है आप ये वाली एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और यहाँ से एक ज़िप लाइन भी जाती है, ये आप ज़िप लाइनिंग भी कर सकते हैं, वहाँ तक जाती है, छोटी सी ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन एक्साइटिंग है काफ़ी ज़्यादा। हम आ गए हैं पेंट बॉल एरिया में, यहाँ पर पेंट बॉल खेली जाती है, तो ये भी यहाँ पर एक्टिविटी है करने को अगर आप करना चाहें तो। तो बेसिकली इस रिज़ॉर्ट में आप लोग अपना इन्जॉय भी कर सकते हो, स्विमिंग भी कर सकते हो, फुल ऑन मस्ती भी कर सकते हो और अपना एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। मतलब इस रिज़ॉर्ट में अगर आप दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, इतने दिन रुकना चाहो ना, ये तो गारंटी है कि आप बोर नहीं होगे, ये पक्की बात है, 100% श्योरिटी है ये तो। तो गाइज़ इधर एक पार्टी हॉल भी है, अगर आप पार्टी वगैरह करवाना चाहते हैं यहाँ पर तो आप पार्टी वगैरह भी करवा सकते हैं, आराम से 100 लोगों की गैदरिंग बिल्कुल आराम से हो जाएगी। इसमें काफ़ी बड़ा है ये, वीडियो में शायद छोटा लग रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा है। तो गाइज़ ये रिजॉर्ट टूर हमारा यहीं पर होता है ख़त्म। अगर ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कुणाल के व्लॉग्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।